गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 3 तीन गुड़िया ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखते हैं, इससे पहले हम लोग इस पाठ में क्या क्या पढ़ चुके हैं। आइए, अब तक हम लोग पाठ 3 तीन गुड़िया, इस पाठ को हम लोगों ने पढ़ा। पाठ को पढ़ने के बाद शब्दार्थ हम लोग लिखे, फिर यहाँ हम लोग वर्तनी अभ्यास ये भी हम लोगों ने किया है। इसके बाद मौखिक प्रश्नोत्तर, लिखित का प्रश्नोत्तर, किसने किससे कहा, ये सब हो चुका है। इसे आप लोग अपने पाठ्यपुस्तक में ही कर लें। कलाकार किसके दरबार में आया, कलाकार किसके दरबार में आया था, अकबर के। यहाँ आप लोग टिक कर लीजिए, इसे टिक कर लीजिए। कलाकार के पास कितनी गुड़िया थी, 3, इसे आप लोग यहाँ टिक कीजिए। तो इसे बुक में करना है, नंबर 3 टिक लगाओ, बुक में कर लीजिएगा। फिर है सोच कर लिखो, ये भी हम लोग कॉपी में नहीं लिखेंगे। हमें बड़ों की बातें ध्यान से क्यों सुननी चाहिए, इसका जवाब आप लोग खुद अपने मन से दीजिएगा। जैसे हमें बड़ों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि उन्हें सही और गलत का पता रहता है, वे हमें सही और गलत के बारे में बतला सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से इस सोच कर लिखो, इसे हमें अपने मन से करना है, कहीं भी कॉपी में नहीं लिखिएगा। इस चीज़ को सिर्फ आप ध्यान से इस बात को याद रखिएगा केवल। इसके बाद हम लोग किए भाषा से। भाषा से में नंबर 1 है उल्टे अर्थ वाले शब्द, जिसे विलोम शब्द कहा जाता है। इसे जस्ट लास्ट असाइनमेंट में हम लोग इसे ही किए हैं। फिर नंबर 2 भी किए हम लोग समान अर्थ वाले शब्द। इसके बाद नंबर 3, जिसे बुक में ही करना था, ड ढ र और अढ़, इन सब से दो दो शब्द लिखना है। आप लोग यहीं लिख लीजिएगा इसे, और यहाँ शब्द भी दिया गया है, इसे भी आप लिख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे नंबर 4, खाली स्थान में है और हैं शब्द का प्रयोग करें। ये भी आप लोग बुक में ही कर लीजिएगा, पुस्तक में ही, क्योंकि ये ज़्यादा कठिन नहीं है। आप लोग पढ़िएगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है? जैसे है, जब एक ही एक का बोध होता है तो है, और जब अनेक का बोध होता है तो हैं करेंगे, ठीक है? इसके अलावा जब आदर किसी के लिए व्यक्त किया जाता है तब भी हैं हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है? देखिए, ये गुड़िया तो हू बहू एक जैसी हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत 3 गुड़िया है ना, गुड़िया बहुवचन है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, हैं। नंबर ख, मुझे विश्वास है, यहाँ मुझे है केवल एक वचन, तो मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे, यहाँ है होगा, है। फिर नंबर ग, सच्चे लोग श्रेष्ठ होते हैं, सच्चे लोग, बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैं, ठीक। इसके बाद नंबर घ, तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है, एक ही गुड़िया के बारे में कहा गया है, तो क्या होगा यहाँ पर, है। तो इस तरह से ये नंबर 4 जो है, हैं और है, इसे आप लोग अपनी पाठ्यपुस्तक में ही कर लीजिएगा, इसे कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे इसके बाद नंबर 5, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद आप लोगों के लिए नया है, आइए इसे समझते हैं हम लोग। भाषा ज्ञान के 5वें नंबर पर है वर्ण विच्छेद, 5वें नंबर पर है वर्ण विच्छेद। नंबर 4 को आप लोग अपने पाठ्यपुस्तक में कीजिएगा, 5वें नंबर को वर्ण विच्छेद, इसे हम लोग कॉपी में करेंगे, ठीक है? ये आप लोगों के लिए नया है और इसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? पहले वर्ण, वर्ण हिंदी वर्ण वाला में 2 वर्ण है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अ आ ई ई जो पढ़ते हैं वो स्वर वर्ण है, और व्यंजन वर्ण है क ख ग घ से लेकर ज्ञ तक, जो श्र तक हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं, ठीक है? अभी आप लोगों को इसमें समझना होगा, जैसे ये एक शब्द है, आप तो ये जानते ही होंगे, हर एक स्वर वर्ण से एक एक मात्रा निकलती है, हर एक स्वर वर्ण से एक एक मात्रा निकलती है। जैसे अ से अ की कोई मात्रा नहीं है, या तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक जो व्यंजन वर्ण है क
क ख ग घ सब में अ की मात्रा है, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ बोर्ड पे ये शब्द है गुड़िया। हाँ, आपको देखना पड़ेगा वर्ण विच्छेद का मतलब क्या हो गया, वर्ण को विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद मतलब वर्ण को विच्छेद, विच्छेद मतलब तोड़ना। हमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को तोड़ना है, अलग करना है, इसे ही कहते हैं वर्ण विच्छेद, ठीक है। जो स्वर, अब हम लोग कोई भी शब्द जो है, जो शब्द है वो स्वर और व्यंजन उन दोनों को मिलाकर ही बनता है, ये तो आप जानते ही होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल पहले देखिए अच्छी तरह से, गुड़िया, ये एक शब्द है गुड़िया। गुड़िया में ग क्या है, व्यंजन वर्ण, ठीक है, और उ की मात्रा क्या है, ये है स्वर वर्ण, ठीक है। उ की मात्रा जो है वो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण की मात्रा है वो, उ की मात्रा स्वर वर्ण उ की मात्रा है, छोटी उ की मात्रा है। तो हमें क्या करना है, इसे अलग करना है। तो अब हमें अलग कैसे करेंगे, पहले देखिए, पहले हम लोग व्यंजन वर्ण लिखेंगे। ग पहला क्या है, ग, ठीक है। ग में आपको मैं अब पहले भी बता चुकी हूँ, हर एक क ख ग घ कोई भी व्यंजन वर्ण उसमें अ की मात्रा लगी होती है, अ जो मात्रा दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो इसे पहले हमें अ से अलग करना होगा। अ से अलग करने का मतलब इसके नीचे हलंत लगा देंगे हम लोग। अब ये जो हलंत लगा देने से, कोई भी व्यंजन वर्ण में अगर हम लोग हलंत लगा देंगे तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, अब ये केवल ग है, ग, ठीक है। तो आगे चल कर जब आप संस्कृत पढ़िएगा तो आपको ये समझ में और भी अच्छी तरह से आ जाएगा। 2 साल बाद आप लोग संस्कृत पढ़िएगा तब समझ में आएगा, तब तक इसे समझिए जो मैं समझा रही हूँ। कोई भी व्यंजन वर्ण के नीचे अगर हलंत लगा देंगे तो वो अकेला हो गया, अब उसमें कोई मात्रा नहीं है। तो यहाँ ग को हम लोग क्या किए, इस अलग कर दिए हैं, एकदम व्यंजन वर्ण लगा दिए। अब इसमें मात्रा कौन सी लगाएंगे हम लोग, उ की मात्रा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उ की मात्रा का मात्रा, ये निशान जो है मात्रा का निशान ये नहीं लिखेंगे हम लोग, हम लोग यहाँ पर मात्रा जो है वो स्वर वर्ण लिखेंगे, जिस वर्ण की मात्रा है उसी वर्ण को हम लोग लिखेंगे, अर्थात यहाँ लिखेंगे उ, ठीक है, छोटी उ। इसके बाद है कौन सा वर्ण है, अब है र, र पहले देखेंगे, र है यहाँ पे, र के नीचे हलंत देंगे तो वो अलग हो जाएगा, फिर हम इसकी मात्रा लगाएंगे। पहले व्यंजन वर्ण लिखेंगे, र हलंत जोड़, इसके बाद इस पर कौन सी मात्रा है, ये छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, छोटी को लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें से हमें अ की मात्रा को हटाना है, इसलिए वहां व्यंजन वर्ण के नीचे हम लोग हलंत लगाएंगे ये, और स्वर वर्ण के नीचे कोई भी हलंत नहीं लगेगी। स्वर जितना भी वर्ण लिख रहे हैं हम लोग, उ इन सब के नीचे हलंत नहीं लगाना है, और अगर हम लोग व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसके बाद है य, य लिखेंगे हम लोग, य के नीचे हलन दे देंगे, फिर इस पर जो मात्रा है उसे हम लगाएंगे। यहाँ या है अर्थात आ की मात्रा, तो हम लोग यहाँ आ लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया गुड़िया, गुड़िया का वर्ण विच्छेद। इसी तरह से हमें सबका वर्ण विच्छेद यहाँ करना है। अब एक एक करके हम मैं दिखा देती हूँ आपको वर्ण विच्छेद, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। कलाकार, ठीक है, कलाकार, यहाँ क लिख दिए, क क्या है, व्यंजन वर्ण है। अब इसके नीचे इसमें क्या है, इसमें कौन सी मात्रा है, इसको मात्रा से अलग करना है, और इसमें अभी मात्रा का कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या हो गया, इसमें अ की मात्रा है, अ, और क को हम लोग पहले मात्रा से अलग करने के लिए इसे यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगा देंगे। इसके बाद दूसरा है ला, ला लिखने से पहले क्या करेंगे, ल उसके नीचे हलंत और आ, ये हो गया ला को, ला का को विभाजित कर दिए हम लोग, यहाँ उसको अलग कर दिए, विच्छेद कर दिए। अब है का, तो क जोर, क में आकार की मात्रा है तो आ, ठीक है। फिर है
र, र हलंत, र में कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब इसमें अ की मात्रा है, अ की मात्रा, तो हम लोग यहाँ अ लिख देंगे। तो ये हो गया कलाकार, कलाकार का वर्ण विच्छेद। इसी तरह से अकबर, अ, अभी मैं आपको बतलाई थी ना शुरुआत में ही कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण के नीचे कोई हलंत नहीं लगेगा, स्वर वर्ण के नीचे कोई हलंत नहीं, तो यहाँ अ को हम लोग जैसे जैसा है वैसे ही इसे उतार देंगे, इसके नीचे हलंत भी नहीं लगाना है स्वर वर्ण में। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे अ के बाद क्या है क, तो क हलंत, क में कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब है अ। ब, ब हलंत, फिर अ, र, र इसके बाद र, र हलंत, फिर अ। तो ये हो गया अकबर, अकबर का वर्ण विच्छेद। इसी तरह से तीसरी त हलंत, त में कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे बड़ी ई, ठीक है, जो मात्रा है जो स्वर जो मात्रा है उसका हम लोग स्वर वर्ण लिखेंगे। तो ये हो गया तीसरी का, ती का यहाँ पर विच्छेद हो गया। इसके बाद है स, स हलंत कोई मात्रा नहीं है तो अ हो जाएगा। इसके बाद है र में बड़ी की मात्रा, तो र हलंत, फिर बड़ी की मात्रा, तो ई बड़ी लिख देंगे यहाँ पे हम लोग। उसी तरह बीरबल, ब हलंत, ब में बड़ी की मात्रा है तो बी बड़ी की मात्रा, ई बड़ी लिख देंगे यहाँ पर। फिर है र, र हलंत, र में कोई मात्रा नहीं है तो अ, बी र ब, और फिर ब आ गया, ब में भी कोई मात्रा नहीं है तो ब हलंत जोर अ, फिर ल, ल हलंत, फिर अ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कीजिएगा वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद अच्छी तरह से समझिएगा और अपने से भी रफ कॉपी में भी दो तीन शब्दों को लिख लीजिएगा और उसका वर्ण विच्छेद इसी तरह से कीजिएगा, तो आपका क्या होगा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और इसे आप लोग हिंदी कॉपी में कीजिएगा। तो मुझे लगता है आज के लिए केवल इतना ही रहने देते हैं, दो चीज भाषा ज्ञान का, एक है और है का प्रयोग आप लोग सीख लिए, और दूसरे नंबर दूसरा है वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद को ध्यान से कीजिएगा ये, क्योंकि ये अभी से जो शुरू होगी इस तीसरी कक्षा से, तो ये आपको कंटिन्यूस आगे चल बढ़ते जाएगा कक्षाओं में और ये और जटिल होते जाएगा, तो इसे समझ कर करते रहना है, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।